हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ जेब्रा केक की रेसिपी शेयर करने आई हूँ। और ये रेसिपी जितना दिखने में सुंदर है, उतना ही टेस्टी ये खाने में होती है। और ये काफ़ी फ्लफ़ी बनता है और ये कितना सॉफ्ट है, इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ईजिली ये कट रहा है, और इसके अंदर तक मैंने देखिए कितने अच्छे से डिज़ाइन बनाया हुआ है। और इसको बनाने में बहुत कम चीज़ें चाहिए और इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जेब्रा केक बनाना। मैंने एक बाउल ले लिया है, इस पर मैंने 4 से 5 चम्मच ऑयल ऐड कर दिया है। और इस पर मैं हाफ बाउल में शुगर पाउडर मैंने बनाया था, इसको मैं ऐड कर लूँगी। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए मेरे पास एक विस्कर है, इसे मैं इससे मिक्स कर लूँगी। आप लोग चाहें तो हैंड ब्लेंडर से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसमें 3 बड़े साइज कर्ड मीन्स दही मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और इसको भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। आप अच्छे से मिक्स करिए, जितना अच्छे से मिक्स करेंगे उतना ही फ्लफी आपका जो केक है बनके रेडी होता है। तो 1 बाउल में मैंने मैदा ले लिया है, तो ये मैदे को मैं इसमें डाल दूँगी और हम इसको मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ नहीं डाल रही हूँ, और बिना बेकिंग पाउडर बिना बेकिंग सोडा के हम इसको बनाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या चीज़ें हमने डाली, और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा से दूध डाल के इसको अच्छा सा एक मिक्स दे दूंगी। देखिए आपको ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है और बहुत पतला भी नहीं रखना है, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। देखिए ये देखिए इस तरह से एक धार में बहना चाहिए, और जो हमारा केक का बैटर है बिल्कुल परफेक्टली हो चुका है। तो अब हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, और अमाउंट आप बराबर रखिए क्योंकि हमें एक को बनाना है चॉकलेटी और दूसरे को सिंपल। तो मैंने इसको डिवाइड कर लिया है। तो देखिए एक को मैं साइड में रख देती हूँ, और दूसरे पे मैं ऐड कर दूंगी कोको पाउडर। कोको पाउडर आपको आसानी से मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा, और अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप कोई भी ब्लैक कलर का बिस्किट लेके उसको भी आप ग्राइंड करके इसमें डाल सकते हैं। तो मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून कोको पाउडर मिक्स कर दूंगी, और इसको अच्छा सा हम इसको भी मिक्स दे देंगे। तो कोको पाउडर डालने के बाद ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, तो हम इसमें थोड़ा सा दूध डाल के फिर से इसकी कंसिस्टेंसी एक जैसी बना देंगे। तो ये देखिए हम इसमें डाल रहे हैं इनो। हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा की जगह पे डालेंगे इनो, और इनो जो है काफ़ी अच्छा होता है, और आप सिर्फ एक पाउच से इसको बना सकते हैं। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा ना हो तो ये बहुत जल्दी अच्छे से फ्लफी बन जाता है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे या पानी जो भी आपके पास है डाल के इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो आपने देखा है कितनी जल्दी एक्टिवेट हो जाता है, और जो इसका केक है वो उतना ही अच्छा मॉइस्ट स्पॉन्जी बहुत अच्छा बनता है। तो आप लोग एक बार इनो से केक बना के ज़रूर ट्राई करिए। तो इसी तरह से मैंने दूसरे में भी डाल के इसको मिक्स कर दिया है। तो हमारे दोनों कलर के बैटर रेडी हैं। अब हम ले लेते हैं एक केक टिन। मेरे पास केक टिन नहीं है, बट एक टिफ़िन है, नॉर्मल स्टील का टिफ़िन। तो इसमें मैं केक बेक करूँगी, और इसको हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और उसके बाद हम देखिए बीच सेंटर में इसको डालते रहेंगे, मीन्स 2 टेबल स्पून हमको वाइट वाला बैटर लेना है और 2 टेबल स्पून हमको चॉकलेट वाला बैटर लेना है। तो देखिए 2 टेबल स्पून मैंने ले लिया, और हल्का सा इसको डैप कर देंगे, और फिर इसके सिर्फ हमको सेंटर में ही रख डालना है। फिर हम इसके सेंटर में 2 टेबल स्पून चॉकलेट वाला बैटर डाल देंगे। तो देखिए बहुत इजी है, इसी तरह से मैं पूरी प्रोसेस करती रहूँगी, 2 टेबल स्पून नॉर्मल वाला और 2 टेबल स्पून चॉकलेट वाला, और हमको इसको डालना सेंटर में ही है। और डालने के बाद 2 बार इसको डैप जरूर करना है, इससे कि अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं पूरे केक को बना लूँगी। देखिए मैंने व्हाइट वाला बैटर डाला, फिर 2 बार डैप किया,
और उसके बाद फिर 2 टेबलस्पून मैं इसमें चॉकलेट वाला डाल दूंगी। बहुत इजी होता है बनाने में और जो इसका डिज़ाइनिंग आता है वो बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए मैंने इसको इस तरह से बना लिया है और लास्ट में हम 1 टेबलस्पून चॉकलेट वाले से इसको फिनिश कर देंगे। ये देखिए तो अब हमारा जो बैटर था वो हमने अच्छे से इसमें स्प्रेड कर दिया है। तो अब हम इसको 2 बार डैप करने के बाद हम इसको देते हैं अच्छा सा डिज़ाइन। तो डिज़ाइन देने के लिए आप लोग एक टूथपिक ले लीजिए, देखिए, और उसके बाद हम इसको बाहर से अंदर की तरफ लेके आएंगे। ये देखिए हम इसको बाहर से अंदर की तरफ लाके एक हम इसको फ्लावर का शेप दे देंगे, आप लोग देख सकते हैं। और जो भी इसमें बैटर लग रहा है उसको मैं हाथ से पोंछ ले रही हूँ। तो देखिए इसी तरह से बाहर से अंदर की तरफ लाके हम इसको एक फ्लावर का शेप दे देंगे। तो आपने देखा कितना ईजी था ये बनाना और जो इसका फ्लावर का शेप था वो कितना सुंदर लग रहा है बनाने के बाद। तो देखिए जो हमारा केक का डिज़ाइन था वो बन चुका है। तो अब हम चलते हैं इसको बेक करने की प्रोसेस में। मैंने एक कुकर में थोड़ा सा नमक और स्टैंड रख के इसको पहले ही रख दिया था। तो अब हम जो हमारा केक टिन है इसको इसके अंदर डाल देंगे और बहुत सावधानी से डालना है। और उसके बाद हम इसको ढक्कन लगा के 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम में बेक कर लेंगे और बीच में हम इसको खुल के नहीं देखेंगे। 15 से 20 मिनट के बाद ही हम इसको देख लेंगे। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसको निकाल दिया था। तो हमारा केक जो है परफेक्टली बेक है। और एक ज़रूरी चीज़, जिस टाइम हम केक बेक करते हैं उस टाइम हमको कुकर की जो सीटी होती है उसको निकाल लेना है। और टूथपिक मैंने केक में डाला तो केक हमारा जो टूथपिक था क्लीन निकल के आया, इसका मतलब हमारा केक बेक हो चुका है। और उसको ठंडा करने के बाद मैंने निकाल लिया था। और अब हम इसको नाइफ से इसके जो कोने हैं इसको थोड़ा सा ढीला कर देंगे। ये देखिए इसको हल्का सा ढीला कर देंगे ताकि जो हमारा केक है इजली से निकल जाए। और इसको हम एक प्लेट में लेके उल्टा कर देंगे, हल्का सा पीछे से 2 या 3 बार इसको डैप करेंगे तो हमारा केक आसानी से निकल आता है। तो ये देखिए जो हमारा केक था बनके रेडी है। और जितना स्पॉन्जी बनता है उतना ही टेस्टी खाने में है। देखिए सिर्फ 1 कटोरी मैदे से इतना मोटा केक हमारा बनके रेडी है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।